हेलो एवरीवन, और आज के इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं कि हम बटन से कोई भी काम कैसे करवा सकते हैं, कोई भी एक्शन कैसे परफॉर्म करवा सकते हैं बाय यूजिंग इवेंट्स। सो फॉर एग्जांपल, अगर हमको बटन पे क्लिक करवाना है तो ऑलमोस्ट हम बटन पे वैसे ही क्लिक कर सकते हैं, बट उस पर फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जाके हम लगाएंगे ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के अंदर हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे। ये फंक्शन हमने अभी तक बनाया नहीं है, अब हम बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शो मैसेज। मैंने एक फंक्शन बनाया शो एमएसजी करके। अब इस फंक्शन को बेसिकली मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा जावा फाइल में। तो यहाँ पे हम ऑन क्रिएट फंक्शन जो हमारा है, ऑन क्रिएट जो हमारी ये वाला फंक्शन है, इसके नीचे जाके यहाँ पे एक फंक्शन बना लेंगे कुछ इस तरीके से, पब्लिक वॉइड, और हम नाम डाल देंगे हमारे फंक्शन का। सो एग्जाम्पल में हमारे फंक्शन का नाम है शो एमएसजी, तो हम यहाँ लिखेंगे शो MSG, और अब जाके ये फंक्शन मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। तो जो भी काम मैं इस फंक्शन में करूंगा, बटन पे क्लिक करते ही वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, बट यहाँ पे अभी तक एरर नहीं गई है। एरर को रीड आउट करते हैं, एरर बोल रही है शो मैसेज android.view.view। बेसिकली जो बटन हमने बनाया इसको व्यू कहा जाता है। तो आपको इस बटन को उस फंक्शन से जब आप बाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज यूज करनी पड़ेगी, व्यू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, VIE इतना हम लिखेंगे, हमको एक हिंट मिलेगा, हम एंटर प्रेस करेंगे और इस view class का एक object बना लेंगे view करके। अब आप देखिएगा, ये जो हमारा function है show message, ये bind हो चुका है हमारे इस button के साथ। तो जैसे हम इस button पे click करेंगे, हमारा show msg function जो है वो call हो जाएगा। अगले lecture में हम सीखने जाएंगे कि हम इस पे कुछ operation like toss करना या message show करना वो कैसे कर सकते हैं। Thank you so much।